आज का पवित्र वचन 26 मार्च 2018। पहला पाठ इजाया नबी का ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य 1 से 7 तक। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाएगा और ना शोर मचाएगा, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनेगा। ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुओती हुई बत्ती ही बुझाएगा। ये ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा। ये ना तो थकेगा और ना हिम्मत हारेगा जब तक ये पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप इसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। जिसने आकाश बनाकर फैलाया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्य को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, वह प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु तुमको न्याय के लिए बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों की ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र सुसमाचार संत योहन के अनुसार अध्याय 12 वाक्य 1 से 11 तक। पास्का के 6 दिन पहले ईसा बैतनिया आए। वहाँ लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहाँ ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उसके चरण पहुँचे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर ईसा का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उसके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने ये इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल देता था। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में ये काम किया। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि ईसा वहाँ है। वह ईसा के कारण ही नहीं, बल्कि
उस लाजरुस को भी देखने आए जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने लाजरुस को भी मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और ईसा में विश्वास करते थे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।